नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड का रहस्य दिन पर दिन गहराता जा रहा है। एक तरफ उनके परिवार के लोग गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर बेहद संगीन आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ रिया ने कहा है कि सत्य की विजय होगी। और इन दोनों पक्षों के बीच सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को यकीन नहीं है कि सुशांत डिप्रेशन में रहे होंगे। तो सवाल है कि पिछले साल अक्टूबर में सुशांत रिया की यूरोप यात्रा के बाद ऐसा क्या हुआ कि सुशांत अवसाद में डूबते चले गए। रिश्तों की भूल भुलैया में कैसे उलझ गई सुशांत की सुसाइड मिस? क्या गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती के कारण डिप्रेशन में आए सुशांत? के खतरनाक मोड़ तक कैसे पहुंचा प्यार का पवित्र रिश्ता? 47 दिन बाद भी बॉलीवुड के प्रॉमिसिंग एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी पर मिस्ट्री अभी छाई है। सस्पेंस अभी बाकी है। सिंह राजपूत की मौत के 47 दिन बाद भी इस रहस्य पर से पर्दा हटना बाकी है कि ऐसे होनहार, ऐसे जोश और ऊर्जा से भरे नौजवान, ऐसे अपनी अदाकारी में जिंदा दिली पिरोने वाले एक्टर ने मौत को गले क्यों लगा। इसमें सुशांत की जिस गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के घर वाले संगीन आरोप लगा रहे हैं, उनका बयान आया कि सत्यमेव जयते। I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is sub judice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. लेकिन जिस अंकिता लोखंडे के साथ प्यार के पवित्र रिश्ते में 7 साल तक सुशांत बंधे रहे, उनको यकीन नहीं आता कि सुशांत कभी डिप्रेशन में आया। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आई डोंट नो क्या होता है डिप्रेशन, क्योंकि सब बोल रहे डिप्रेशन में था सुशांत। कैसे डिप्रेशन में होगा जब वो लड़का यहाँ पर था? वो खुश था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बड़ी से बड़ी चीजों का सामना किया उसने। हम जब साथ में हमारा करियर शुरू हुआ और वो आज जिस लेवल पर था वहां पर, और जब उसने शुरुआत की थी तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था, उसको कैसे डिप्रेशन आ सकता है? कैसे उसका ये सब हो सकता है? कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है? आई कम्प्लीटली डिनाई दिस थिंग। सुशांत का कोई दोस्त नहीं था, बल्कि रिया के भाई को ही अपना दोस्त मान लिया था। कुक ने एक महत्वपूर्ण बात ये बताई कि पिछले साल दशहरे के मौके पर सुशांत रिया और उनके परिवार के साथ यूरोप घूमने गए थे और दिवाली के आसपास लौटे थे। तो जब गए थे तो काफ़ी स्वस्थ थे, जब लौटे तो उनकी हालत अच्छी नहीं थी, मतलब बीमार दिख रहे थे। सुशांत की आत्महत्या के बारे में यही बात पहले दिन से चल रही है कि वो डिप्रेशन के शिकार थे। डिप्रेशन के लिए डॉक्टरों के संपर्क में थे और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे को लगता है सुशांत डिप्रेशन का शिकार नहीं हो सकता। जबकि इस दुनिया को अलविदा कहते वक्त उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती का कहना है कि सुशांत डिप्रेशन में थे। सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती ने अपना पक्ष रखा है कि वो 8 जून तक सुशांत के साथ लिव इन में थी, उसके बाद वो अपने घर चली गई। सुशांत डिप्रेशन में थे और उसकी दवा ले रहे थे। जो हमेशा हंसता रहता था, जो दूसरों को जिंदा रहने का हौसला देता था, जिसकी जिंदगी में गमगीन होने के लिए कोई जगह नहीं थी, उस जिंदा दिल सुशांत ने मौत को गले लगा लिया। इसीलिए तो वो मौत 47 दिन बाद भी कई रहस्यों का पीछा कर रही है। और मैंने मेरी मम्मी को बोला कि टीवी बंद कर दो, क्योंकि वो चीजें देखना और सुनना बहुत डरावनी चीजें थी। मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो, आप किसी एक ऐसे मतलब सुशांत जैसा टैलेंटेड लड़का सडनली ऐसे चले जाएगा दुनिया छोड़ के, और बहुत नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। तो बस ये चीज डाइजेस्ट करने में ही बहुत टाइम लग गया। सुशांत का इस दुनिया से यूं ही चले जाना उनके पिता और उनकी बहन को आज भी चैन से जीने नहीं देता। लेकिन सुशांत के डिप्रेशन को नकारने वाली थ्योरी पर अंकिता का ही ये बयान एक बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। मेरा आखिरी बार मैं उनसे जब मिली थी वो था मार्च 2016 जी। उसके बाद आपका कोई कांटेक्ट नहीं था उनके साथ? नहीं, कोई कांटेक्ट। सस्पेंस का घेरा इस बयान से कसता जाता है। अंकिता लोखंडे कैसे कह सकती हैं कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं जा सकता?
जब 4 साल से अंकिता की सुशांत से कोई मुलाकात ही नहीं है तो ऐसा दावा वो कैसे कर सकती हैं? सुशांत को 2019 में डिप्रेशन हुआ था, जिस वक्त अंकिता उनकी जिंदगी में कहीं नहीं थी। साथ ही अंकिता का ये भी कहना है कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को नहीं जानती, यानी सुशांत की जिंदगी में मानसिक उथल पुथल बीते 1 साल के अंदर ही मची। नहीं नहीं, मैं रिया को बिल्कुल भी नहीं जानती। मैंने सिर्फ रिया को सुशांत के साथ ही जो थोड़ा बहुत फोटोज भी देखा था, मैंने उनको देखा है उसमें, बट रिया का कभी मतलब कुछ कभी ऐसी जरूरत मतलब कभी कोई कॉन्टेक्ट, जब तक सुशांत मेरे साथ थे तब तक हम रिया को नहीं जानते। सुशांत की मौत एक ऐसी पहेली है जिसको सुलझाने में पुलिस से लेकर सुशांत के घर वाले भी उलझते चले गए। रिया ने खुद माना है कि वो सुशांत के साथ लिव इन में थी। रिया चक्रवर्ती सुशांत के घर इस साल मार्च में रहने के लिए आई थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण शूटिंग और दूसरी चीजें बंद हो गई थी और वो भी सुशांत के घर पर ही रह गई। उसके बाद 7 जून की रात 1 बजे सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा सालियार ने खुदकुशी कर ली। 8 जून की दोपहर ही सुशांत के घर से रिया चली गई। खबर यह भी आई कि उस दिन सुबह रिया और सुशांत में झगड़ा भी हुआ था। दिशा की खुदकुशी से परेशान सुशांत ने बहन नीतू को बुलाया, जो 9 से 12 जून तक उसके साथ रही, और उसके जाने के 2 दिन बाद 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी कर ली। लेकिन सुशांत के घर वालों को लगता है कि वो अगर डिप्रेशन में आया तो रिया की वजह से। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल कहीं से ऐसी कोई बात नहीं थी परेशानी की। 1 साल तक वो बिल्कुल सही था और यहाँ तो काफ़ी हंसने खेलने के माहौल में आया था और काफ़ी हौसला वाला लड़का था, और इतना सारा हौसला उत्साहित लड़का कैसे परेशान हो सकता है। तो इसमें बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र है, साजिश है, जो रिया चक्रवर्ती पर आरोप लग रहा है। तो तमाम चीज़ों का जाँच हो और जाँच करके कार्रवाई हो। इस बीच रिया का एक वीडियो आया है जिसमें वो बिल्कुल काले लिबास में सुशांत के साथ डराने धमकाने वाले अंदाज में मौज मस्ती कर रही है। भाई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपन का क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते हैं, अपन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते हैं। इधर आ चुके, तू क्या कर रहा आजकल? एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला। बस करता हूँ, उसको लगता है अपना पुल इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपुन के ऊपर है, अपुन बता भी नहीं सकता। कहां तो खबर थी कि रिया और सुशांत इसी साल नवंबर में शादी करने वाले हैं, और कहां जुलाई बीतते बीतते एक सिंपल सी दिखने वाली प्रेम कहानी में इतने क्लाइमेक्स आ गए कि आगे की कहानी भूल भुलैया बन गई। इसमें दांव पेच हैं तो प्रेम की दुहाई भी, तो मिस्ट्री से भरी खुदकुशी भी। दिल्ली में संजय शर्मा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। सुशांत के घर वाले रिया पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके कारण ही सुशांत की जान गई। दूसरी तरफ रिया खुद को बेकसूर बता रही है। इन दोनों के बीच एक अहम किरदार बनकर उभरे हैं सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी, जिन्होंने आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी दी कि सुसाइड से पहले वाली रात क्या हुआ था और कैसे सुशांत के घर वाले उन पर रिया के खिलाफ बयान देने का दबाव बना रहे थे। कि जिंदगी जितनी खुली थी, मौत उतनी ही मिस्ट्री से भरी है। 14 जून को जो कुछ हुआ उसके बारे में आपको एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के उस दोस्त के जरिए, जिसका नाम है सिद्धार्थ पिठानी, और जो खुदकुशी से पहले वाली रात को 1 बजे तक सुशांत के साथ थे। सिद्धार्थ के मुताबिक सुशांत अपने पूर्व मैनेजर दिशा सालियार की खुदकुशी से बेहद परेशान थे, क्योंकि इसमें उनका नाम घसीटा जा रहा था। रेगुलर काम वो लोग करते थे, उन्होंने वो सब कराए, फिर उनके वो अपने रूम में जाके लॉक कर लिया, फिर हम वी स्टार्टेड नॉकिंग, बहुत देर नॉक करा। इनफैक्ट हम ऐसा स्टेप ये लेंगे, दिस इज द लास्ट थिंग दैट पूरा हमने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने दिमाग को ऐसा कर लिया था कि ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुछ करेंगे, इसलिए हम लोग ने उनको टाइम दिया कि खोल दे दरवाज़ा। ऐसे करके हर 10 मिनट में, हर 15 मिनट में, हर 2 मिनट में जाके हमने नॉक करना शुरू करा, बट ही नेवर रेस्पॉन्डेड। अब हम आपको ले चलते हैं उन किरदारों के बीच जिनसे हटेगा सुशांत की खुदकुशी पर छाए रहस्यों का पर्दा। किरदार नंबर 1, सुशांत सिंह राजपूत के पिता का आरोप।
रिया के संपर्क में आने के बाद सुशांत डिप्रेशन में गया। रिया ने सुशांत को अपने वश में कर लिया था। बिहार पुलिस को दिए बयान में सुशांत की बहन मीतू ने भी आरोप लगाया है कि रिया ने भूत प्रेत का डर दिखाकर सुशांत से उसका मुंबई का पुराना फ्लैट छुड़वाया था। सारे सर्वेंट उसने बदल दिए घर के, बॉडीगार्ड बदल दिया, तो मोबाइल फोन बदल दिया, मतलब जो सुशांत पे इस तरह से कंट्रोल जो उसने अपना शिकंजा उस पर कड़ा किया, उसके बहुत से एविडेंसेस हैं। अब जो लोग पहले काम करते थे उनसे बात की जाए तो कुछ पता चलेगा। मुंबई पुलिस ने किसी से बात की है क्या? अब इसमें दूसरे किरदार पर आइए और वो किरदार है रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड। तो कुल मिलाकर अभी तहकीकात जारी है कि आखिर ये जो घटना हुई है आत्महत्या के लिए उसकाया गया है, ये गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है बिहार पुलिस, और आप देख रहे हैं कि जांच अभी जारी है। किरदार नंबर दो, सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती की सफाई। सुशांत के साथ लिव इन और डिप्रेशन की बात मानी। सुशांत के परिवार पर दोस्तों को भड़काने का लगाया आरोप। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ ने माना रिया की बात सही। रिया ने जो सबसे बड़ी बात कही है वो ये है कि सुशांत के परिवार ने सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश की। इस कड़ी में सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को एक ईमेल भेजा, साथ ही सिद्धार्थ ने आज तक से बातचीत में रिया के बयान की पुष्टि भी की है। जो बात मुझे नहीं पता मैं उनको जाके बोल दूंगा, दैट बिकम्स फॉल्स राइट। तो वो मुझे थोड़ा लगा कि आई थिंक ये थोड़ा फॉल्स डायरेक्शन में जा रहा है, एंड मुझे वो लोग वापस मुझे को फोन कर करके मुझे पूछेंगे ये क्वेश्चन, स्टेटमेंट देने के लिए बोलेंगे। इसलिए मैं सोचा कि पहले मैं पुलिस से, मैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जो मेरे को हमेशा बुला के मेरा इंटरोगेशन करते थे, उनको ही मैंने इन्फॉर्म करके ये चीज़ बता दिया, और उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया और उस ईमेल पर मैंने ईमेल कर दिया। सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को ईमेल में लिखा, 22 जुलाई को सिद्धार्थ के पास सुशांत के परिवार से ओपी सिंह और मीतू सिंह का कॉल आया। उन्होंने सिद्धार्थ से रिया चक्रवर्ती और सुशांत के लिव इन के दौरान रिया के खर्चों के बारे में पूछा। इसके 5 दिन बाद 27 जुलाई को ओपी सिंह का फोन आया। ओपी सिंह ने सिद्धार्थ से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बिहार पुलिस को बयान देने के लिए कहा। सिद्धार्थ ने ईमेल में यह भी कहा है कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। सिद्धार्थ का तो यहां तक कहना है कि सुशांत के परिवार ने फोन करके रिया के खिलाफ बयान देने और 15 करोड़ वाली बात बोलने का भी दबाव बनाया। They were asking me to testify to a person, he could be a police officer, saying that you have to testify that Riya had spent certain amount from Sushant's account, that is 15 crores. ओके, बट ये 15 करोड़ का मामला मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। आपको बता दें कि मीतू सिंह सुशांत सिंह राजपूत की बड़ी बहन है और ओपी सिंह बहनोई जो हरियाणा में एडीजी हैं। अब सवाल है कि रिया चक्रवर्ती के खिलाफ सुशांत के परिवार वाले मामला बनाने पर क्यों तुले हैं? साथ ही सीबीआई जांच की मांग जब रिया भी कर रही थी और सुशांत के घर वाले भी, तो क्या इस आधार पर जांच आगे बढ़ेगी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? हैदराबाद में आशीष पांडे के साथ सुजीत कुमार झा, मुंबई आज तक। इस बीच सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की। अंकिता ने सुशांत की शख्सियत की उस किताब को खोला जिसमें डिप्रेशन, खुदकुशी जैसे चैप्टर्स थे ही नहीं, इसीलिए सस्पेंस इस बात पर है कि जो था ही नहीं वो हो कैसे गया। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिताया, उनको करीब से देखा जाना, उन्हीं सबको हम आपके सामने आज तक पर ला रहे हैं। इसी कड़ी में खास मेहमान अंकिता लोखंडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंकिता जी, एक लंबा रिश्ता और करीबी रही आपकी सुशांत सिंह राजपूत के साथ, अचानक जब खबर आई उनके चले जाने की, पहला रिएक्शन आपके क्या था? मतलब ये कहा गया कि तुरंत फौरन कह दिया गया कि सुसाइड है, डिप्रेशन में थे, आपका दर्द क्या था ये पता चलने पे और कैसे पता चला आपको? अंकिता जी, मैम सबसे पहले तो दर्द यही था कि वो चले गए, सुसाइड क्या है, मर्डर हुआ है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता ही नहीं जब आपका इंसान चला जाता है। तो
बहुत अलग फीलिंग, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट मुझे याद है मैं सो रही थी और मुझे किसी रिपोर्टर का कॉल आया था और सो रही थी और शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी सेड, अंकिता आपको पता है सुशांत ने सुसाइड कर लिया. और मैं सिर्फ उठी हूँ और मैंने मेरे से मम्मी को बोला कि टीवी बंद कर दो, क्योंकि वो चीजें देखना और सुनना बहुत डरावनी चीजें थी. मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो आप किसी एक ऐसी, मतलब सुशांत जैसा टैलेंटेड लड़का सडनली ऐसे चले जाएगा दुनिया छोड़ के और मतलब बहुत नहीं पता था ऐसा कुछ होगा. तो बस ये चीज डाइजेस्ट करने में ही बहुत टाइम लग गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डिप्रेशन ये वो ये सब बहुत बाद में आई चीजें, लेकिन उस चीज को सोचना और लेना कि वो नहीं रहा, आज भी जब हम ऐसे सोचने के सुशांत नहीं रहा तो बहुत बड़ी चीज है बोलना कि वो नहीं रहा. यू नो इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग, इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग, बट हाँ फिर पता चला कि वो डिप्रेशन में और ये सारी चीज लाइक, तो धीरे धीरे चीजें अब समझ में आ रही है क्योंकि इजीली सुसाइड करने वाला लड़का सुशांत था नहीं कभी उन्होंने. मैं जिस सुशांत को जानती हूँ और जिस सुशांत के साथ मैं इतने साल तक गई हूँ, जिंदगी जीने वाला लड़का, वो छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता था, इतने खुशियों से वो करता था और हर चीज की सीखने की चाह थी, हर चीज वो सीखना चाहता था, हर चीज वो करना चाहता था, हर चीज में अपने प्लानिंग्स कर देते थे अपने आप, 5 साल के बाद वो क्या बनेगा क्या करेगा किस डेट पे, ये तक उसके प्लान होते थे जिंदगी के. तो ऐसा लड़का ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ कर लेगा, आई डिनाई इट कम्प्लीटली. 7 साल का रिश्ता था आप दोनों का, 7 साल की करीबी थी जी, मतलब पवित्र रिश्ता से अचानक सुसाइड की खबर तक. आप खुद कह रही हैं कि आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी जब उनका चेहरा देखते हैं, उनके तौर तरीके देखते हैं, मीडिया में उनके कितने इंटरव्यूज हम लोगों ने किए हैं, एक बहुत ही अलग किस्म के व्यक्ति थे. ये डिप्रेशन वाली बातें कहाँ से आई आपको लगता है, क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी करंट रिया चक्रवर्ती, उसको लेकर परिवार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अंकिता जी. मैं डिप्रेशन वाली बात कहाँ से आई कैसे आई और इस पर ना बात करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उसे वो इंसान ही डिप्रेशन वाला था. वो आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, बहुत पुरानी बात है, और सुसाइड कर लिया था शायद, और यू नो वी वर टॉकिंग कि ऐसे कैसे सुसाइड कर लेते हैं लोग. तो वो मुझे बोल रहा था जिस दिन मुझे अगर ऐसा थॉट आया ना, मैं 15 मिनट में चेंज कर दूंगा अपना थॉट और देख लेना सब कैसे कोई सुसाइड कर सकता है, मैं उस इंसान को समझाऊंगा अगर कोई सुसाइड कर रहा है, तो भाई सुसाइड करना बहुत गलत है, यू नो. एंड आई यू नो वो उसका थॉट प्रोसेस था अंजना, मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये सब सोचना कि ऐसा एक लड़का जो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इतना बैलेंस्ड है, इतना अपना करियर ओरिएंटेड है, उसे पता है उसको क्या चाहिए, और पता होने के बाद आपको वो चीज मिल रही है, आप उस प्लान पे इतना अच्छे से चलते हो, तो ऐसा लड़का सडनली ये स्टेप ले ले और ये सब जगह बोल दिया जाए, ये नॉट रियली, माई ब्रेन इज नॉट रियली एक्सेप्टिंग इट. आई मीन ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल. 34 साल उनकी उम्र थी और ऐसे में इतना कुछ हो गया, मतलब जो आपने करीब से देखा है, सब यही जानना चाहते हैं कि किस किस्म के इंसान थे, क्योंकि जो फैंस होते हैं वो स्टार को सिर्फ बड़े पर्दे पर देखते हैं, बट आपने कई लम्हे बिताए होंगे उनके साथ, किस तरह के इंसान थे सुशांत सिंह राजपूत. सुशांत एक ऐसा इंसान था जो बहुत इंटेलिजेंट इंसान, बहुत दिमाग वाला इंसान था, जिस मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी लाइफ में इतना इंटेलिजेंट लड़का सच में कोई देखा था तब तक, जब सुशांत से मिली. आईआईटी अंतर वो इंडिया के 7th रैंकर, ऑल ओवर इंडिया में उनकी 7th रैंक थी, उन्होंने वो छोड़कर अपनी इंजीनियरिंग और वो सब छोड़कर वो इस इंडस्ट्री में आई थी, क्योंकि उनका पैशन था एक्टिंग करना. वो उसने तब डिसाइड किया था, उसने आधी में इंजीनियरिंग छोड़ी और उसने बोला था मुझे एक्टिंग करना, फिर उसने शामक दावत का डांस ग्रुप ज्वाइन किया था, उसमें वो बैक मतलब वो पीछे डांस करते, और उसके बाद उन्होंने अपना धीरे 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 करियर शुरू किया. अब आज की परिस्थिति में आते हैं, आपने एक दो दिन पहले ट्वीट कर लिखा ट्रूथ विंस, इसका क्या अर्थ था?
इसका अर्थ यही कि सच्चाई जीतती है, जो सच होगा वो जीतेगा, दिस इज व्हाट इट मींस, जो भी सच होगा, जो भी सच होगा, क्योंकि हम सबको सच जानना है, कहीं ना कहीं आप भी यहाँ इसीलिए हैं मुझसे, क्योंकि आपको भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ, मुझे भी जानना है सुशांत के साथ क्या हुआ, क्योंकि मैं भी सुशांत के साथ 4 साल तक नहीं थी, मैं नहीं जानती उसके साथ क्या हुआ, मैं नहीं जानती कि ऐसी क्या चीजें हो रही थी उसके लाइफ में, तो इवन आई वॉन्ट टू नो दैट, आई डेफिनेटली वॉन्ट टू नो इट, सुशांत को क्या ऐसा हुआ कि आज वो हमारे बीच ही नहीं, ही डाइड, आई मीन इट्स It's not acceptable. It's my brain and his family is going through such bad pain. They want to know what happened with him. They want to know, and I am with them. I stand by with his family for sure. क्या रिया चक्रवर्ती को आप किसी भी तरह से अंकिता जानती हैं? या आपने उसके बारे में कुछ सुना है? नहीं नहीं, मैं रिया को बिल्कुल भी नहीं जानती. मैंने सिर्फ रिया को सुशांत के साथ ही जो थोड़ा बहुत फोटोज भी देखा था, मैंने उनको देखा है उसमें. बट रिया का कभी मतलब कुछ कभी ऐसी जरूरत मतलब कभी कोई कांटेक्ट, जब तक सुशांत मेरे साथ थे तब तक हम रिया को नहीं जानते थे. जांच के बारे में मैं पूछ रही थी कि सच सब जानना चाहते हैं जी. उनके परिवार का कहना है कि मुंबई पुलिस को हमने अप्रोच किया और उनको कुछ जानकारी दी, वो उस लाइन पर आगे नहीं ले जा रहे थे जांच. फिर उन्होंने बिहार में पटना में एफआईआर रजिस्टर कराया, बिहार पुलिस यहां पर आई. अब रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट चली गई है, कहती है कि आप ये जांच महाराष्ट्र पुलिस को, मुंबई पुलिस को दीजिए. जबकि पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था कि सीबीआई से जांच कराइए गृह मंत्री जी को टैग करके. कई लोगों को यह बात हजम नहीं हो रही कि अगर आप फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते थे, सीबीआई से वाकई जांच चाहते थे, तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी यही कहते, महाराष्ट्र पुलिस की जांच वो बात अब क्यों कह रही है? क्या ये बात आपको भी इसमें कुछ गड़बड़ दिखता है? जहां तक मुझे सुशांत की फैमिली की साइड की बात पता है, उनका मुंबई ने सब कुछ छीन लिया, फ्रैंकली मतलब उनका बेटा चला गया, राइट right? उनका बेटा अब मुंबई जो आया था इतने सपने लेकर, वो सब खत्म हो गए. उनके लिए जो जहाँ के हैं वो बिहार के हैं, उनके लिए वो सही था. उन्होंने वहां से केस फाइल किया, उन्होंने जो भी चार्जेस लगाए हैं उनको अप, जैसे आज हम महाराष्ट्र में, हमें महाराष्ट्र पुलिस पे बिलीव है, वैसे उनको वहां की पुलिस पे बिलीव है और वो उनको उनके साथ केस कराना चाहते हैं. और जहां तक रिया का सवाल है, वो पहले वो सीबीआई बोल रही थी, वो मैंने भी उनका ट्वीट देखा था और आज वो बोल रही है, तो मुझे मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है या कुछ कंफ्यूजन है. और वो रिया ही जान सकती है कि उनको क्यों मतलब पहले वो सीबीआई बोल रही थी और आज ये बोल, क्योंकि मैं एक्चुअली पता है क्या है अंदर, आई कांट कमेंट रियली ऑन रिया बिकॉज आई डोंट नो दिस गर्ल पर्सनली, आई हैव नो, बट आई कैन डेफिनेटली टेल यू अबाउट द फैमिली वाइफ, क्योंकि जो भी था उनका बॉम्बे में फैमिली का, वो नहीं है अमन के साथ. तो मुझे ऐसा लगता है उनका जो था वो खो चुका है, तो दे डेफिनेटली बिलीव कि उनके लिए वो बिहार पुलिस पे वो ज्यादा फेथ करते हैं, विच इज फेयर इनफ, क्योंकि वो हैं वो वहां की पुलिस पे करते हैं. सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में रोज नई नई बातें, नए नए किरदार, नए नए खुलासे हो रहे हैं. अब मामला यहां पर पहुंचा है कि एक तरफ बिहार पुलिस जांच कर रही है, एक तरफ मुंबई पुलिस जांच कर रही है, लेकिन रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले जाने के मामले में अब उनके खिलाफ ईडी ने केस दर्ज कर लिया है. सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते को क्या नाम दें? ये सवाल सुशांत की मौत के बाद उठ रहा है क्योंकि रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर सुशांत से पैसे ऐंठने और जब वो रिया के किसी काम के नहीं रहे तो उसे छोड़कर चले जाने का आरोप लग रहा है. और सुशांत जीना चाहते थे अपने तरीके से, वो खुश रहना चाहते थे रिया की मोहब्बत में, उन्होंने कभी पैसों की परवाह नहीं की. लेकिन उनकी मौत के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या रिया और उसकी फैमिली इसका फायदा उठा रही थी? इन आरोपों पर रिया ने चुप्पी तोड़ते हुए वीडियो जारी किया और कहा कि मुझे न्याय मिलेगा और सत्य की जीत होगी. I have immense faith in God and the judiciary. I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers as the matter is subjudice. Satyamev Jayate, the truth shall prevail. इससे पहले सुशांत के पिता के सिंह की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में रिया और परिवार पर सुशांत के बैंक खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने का आरोप लगा है. पिछले एक साल में लगभग 17 करोड़ रुपए मेरे बेटे के इस खाता नंबर कोटक महिंद्रा बैंक में रहा था. इस खाते से इस दौरान करीब 15 करोड़ रुपए निकला है.
इस खाते से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ है जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए ताकि इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों एवं सहयोगियों के साथ धोखेबाजी एवं षड्यंत्र से ठगा है। वहीं 15 करोड़ रुपए निकाले जाने के मामले में रिया और उसके परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का शिकंजा कस गया है। ईडी ने कथित तौर पर 15 करोड़ रुपए निकालने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। जांच एजेंसी के आधिकारिक सूत्रों ने आज तक से बातचीत में इसकी पुष्टि कर दी है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के कानून के तहत रिया और उसके परिवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और ईडी की जांच 15 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का पता लगाने की दिशा में की जाएगी। झूठ या सच जो भी हो, सुशांत के परिवार वालों की तरफ से लगाए गए बाकी इल्जाम साबित हो या ना हो, पर इतना तय है कि इस 15 करोड़ का सच बड़ी आसानी से सामने आ जाएगा, बशर्ते सारा ट्रांजैक्शन ऑन रिकॉर्ड हुआ हो। अपनी बातें साबित करने के लिए सुशांत के परिवार वालों को भी कोर्ट में सबूत पेश करने होंगे। वहीं सुशांत के परिवार को उम्मीद है कि रिया की गिरफ्तारी में अब देर नहीं है। हर कोई किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन उस पर गंभीर आरोप है। उस गंभीर आरोप का जवाब वो जहां भी जाएंगी, जिस कोर्ट में जाएंगी, उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। और जब उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, वो लाजवाब हो जाएंगी, तो फिर उन पर कार्रवाई होगी, उनकी गिरफ्तारी होगी। काहे कि उसके उन पर आरोप जो लगा वो तथ्यों के आधार पर आरोप लगा हुआ। हालांकि रिया पर सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकालने के आरोप पर सुशांत के सीए का बयान ही सवाल या निशान लगा रहा है। आज तक एक्सक्लूसिव बातचीत में सुशांत के सीए ने कहा है कि सुशांत के खाते में 15 करोड़ रुपए थे ही नहीं। तो मैं एक साल से हैंडल कर रहा हूँ, एक साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। पुलिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम, व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है जितना खर्चा हुआ है, बस उतना खर्चा हुआ। 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन। संदीप श्रीधर को बतौर सीए रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती ने रखा था। ये उस वक्त की बात है जब सुशांत, रिया और शौविक ने मिलकर विविड रेज रियलिटी कंपनी बनाई थी। दूसरी तरफ सुशांत के बैंक खाते पर नजर डालें तो जनवरी 2019 से जून 2000 के बीच खर्च का पूरा ब्यौरा सामने आता है। जनवरी से जून के बीच 2,78,00,000 खर्च हुए। इनमें टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान को 61,00,000, सीमा लालवानी को रेंट के रूप में 60,00,000, रियल एस्टेट एजेंट को 3,87,000 रुपए, समतानी पावना डैम में फार्म हाउस का रेंट 26,40,000, रिया के भाई शौविक के बैंक खाते में 4,87,000, विदेश दौरे के लिए थॉमस कुक को 50,00,000, असम केरल टूर के लिए 2.5 करोड़ और मिलाप को 9,00,000 का डोनेशन शामिल है। इस दौरान एक बैंक में 2 करोड़ का टर्म डिपॉजिट भी सुशांत ने किया था। लेकिन खर्च की बात करें तो कुल मिलाकर 2,78,00,000 रुपए खर्च हुए हैं, जबकि आरोप 15 करोड़ का है। हालांकि स्टेटमेंट से यह भी साफ है कि सुशांत न केवल रिया पर बल्कि उसके भाई शौविक पर भी अच्छा खासा पैसा खर्च कर रहे थे। उनके एयर टिकट से लेकर होटल का खर्च भी उठा रहे थे। यही सवाल उठता है कि क्या रिया और उसके परिवार की नजर सुशांत सिंह राजपूत के पैसों पर थी। जहां तक सुशांत सिंह राजपूत की सालाना कमाई की बात है तो फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में फिल्मों और विज्ञापन से सुशांत सिंह राजपूत की कमाई 14,26,00,000 रुपए थी। वहीं 2017 में उनकी कमाई 12.5 करोड़ रुपए थी। कहा जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत एक फिल्म के लिए 8 करोड़ रुपए लेते थे। वैसे तो सुशांत के फिल्मी करियर की शुरुआत 2013 में काईपोचे से हुई थी, लेकिन काईपोचे हो या 2014 में पीके, वो लीड रोल में नहीं थे। 2016 में उनकी सबसे बड़ी हिट फिल्म आई एमएस धोनी, वहीं आखिरी हिट फिल्म थी छिछोरे। इन फिल्मों ने अच्छी कमाई की, लेकिन इन सब के बावजूद बैंक स्टेटमेंट और सीए के बयान के मुताबिक सुशांत के खाते में पिछले एक साल में कुल मिलाकर 15 करोड़ रुपए नहीं थे। तो क्या किसी और जरिए से या किसी और खाते से पैसे निकाले गए? इसकी जांच की मांग सुशांत के पिता ने भी की है। दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। इधर रिया की परेशानियां बढ़ रही हैं, तो उधर सुशांत के परिवार का दर्द जो अथाह है कभी ना खत्म होने वाला। बहन ने इंस्टाग्राम पर सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पुरानी यादें ताजा की। बहन मीतू और बहन श्वेता दोनों सुशांत को मिस कर रही हैं।
और ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत की याद उनकी बहनों को बहुत सता रही है। आज भी वो यही सोच रही हैं कि काश 14 जून की वो मनहूस तारीख ना आती, काश अपनी बड़ी बहन श्वेता के बुलावे पर सुशांत अमेरिका चले गए। सुशांत की मौत से ठीक 5 दिन पहले का ये व्हाट्सएप चैट देखिए जो श्वेता ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। श्वेता ने पूछा था, कैसा है मेरा बाबू, लव यू, मेरे पास आना है बेबी, यहां पर रानी दी, आप आ जाओ यहां। इस पर सुशांत ने बस इतना लिखा, बहुत मन करता है दी, साथ में दिल की 2 इमोजी। काश सुशांत मन की मान लेते और बहन से मिलने अमेरिका चले जाते तो यादगार हो जाती इस बार की राखी। श्वेता जहां सुशांत से ठीक बड़ी बहन है, वहीं मीतू सबसे बड़ी है। मीतू को सुशांत अपने आदर्श के रूप में देखते थे। कायपोचे में सुशांत ने एक क्रिकेटर का किरदार निभाया था। बाद में सुशांत ने कहा था कि इस किरदार के लिए उन्हें अपनी दीदी मीतू से प्रेरणा मिली थी। सुशांत ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने किसी से नहीं कहा, लेकिन वो मेरी बहन ही थी जिसने मुझे इस किरदार के लिए प्रेरित किया। मैंने मीतू दीदी के पुरुष वर्जन का किरदार निभाया है। कायपोचे की रिलीज के बाद सुशांत ने कहा था, मैं इससे बेहतर और किसी किरदार को निभाने की सोच नहीं सकता था। मैंने क्रिकेट के प्रति ईशान के जुनून, परिवार, दोस्तों और समाज को अपनी बात समझा पाने के लिए सतत संघर्ष और खुद को समझ पाने की जद्दोजहद को तुरंत समझ लिया था। ये मेरी बहन मीतू थी जिसे मैं स्क्रिप्ट में देख पा रहा था। ये था भाई बहन का प्यार। सुशांत के लिए ऐसी अनमोल थी उनकी मीतू दी। बड़ी बहन मीतू के बारे में सुशांत ने आगे कहा था, मेरी बहन मीतू मेरा रोल मॉडल थी। मैंने जब उनसे पूछा कि कायपोचे में खुद को पहचाना, तो उन्होंने कहा, अरे तूने तो मुझे डाल दिया अपने किरदार में, ये मेरे लिए महान जीत का पल था। भाई बहनों में सुशांत सबसे छोटे थे, जबकि 4 बहनों में श्वेता सबसे छोटी। कि सबसे बड़ी बहन मीतू राज्य स्तरीय क्रिकेटर रह चुकी हैं और वो मुंबई में रहती हैं। दूसरी बहन प्रियंका सिंह दिल्ली में रहती हैं, जबकि तीसरी बहन रानी हरियाणा में। रानी के पति ओपी सिंह हरियाणा पुलिस में ADG हैं और श्वेता अमेरिका में रहती हैं। सुशांत अब नहीं है, पीछे छूट गई हैं वो बेशुमार यादें जो उनका खुशनुमा एहसास कराती रहेंगी। लेकिन वो यादें बार बार ये कसक भी देंगी कि काश उस मुश्किल वक्त में कोई उस छोटे भाई के साथ होता। आज तक ब्यूरो। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत के घर वालों का आरोप है कि उन्होंने सुशांत के पुराने स्टाफ को निकाल दिया। आज तक ने सुशांत के कुक से बात की। उन्होंने बताया कि महीने भर की छुट्टी से लौटने के बाद उनसे कह दिया गया कि उनकी अब जरूरत नहीं है। इस वक्त हमारे साथ है सुशांत के कुक, जो लगभग 4 साल तक उनके साथ रहे हैं, एंड उनका नाम है अशोक कुमार खाशी जी। सो अशोक जी, कितने साल आप सुशांत के साथ रहे हैं? मैं 2016 से 2019 अक्टूबर तक। और कौन से घर पर सुशांत के साथ आप थे कुक? बांद्रा लिटिल लाइट से लेकर कैप्रियाइट तक। ऐसा क्या हुआ, क्योंकि 4 साल आप अगर किसी के साथ रहते हैं तो ऑन गोइंग रिश्ता एक बन जाता है, और उसके बाद आपने छोड़ दिया। सो ऐसा क्यों हुआ, क्यों छोड़ा आपने? एक्चुअली मेरे को घर पे 2019 सितंबर में मेरे को घर जाना था, तो घर जाने के बाद जब मैं आया तो ये लोग अक्टूबर में आपका यूरोप ट्रिप गए थे। यूरोप ट्रिप जाने के बाद फिर मैंने फ़ोन किया तो पता चला कि मेरे को मना किया गया। तो कौन कौन गए थे यूरोप ट्रिप पे? यूरोप ट्रिप में रिया चक्रवर्ती और उनका भाई और सर सुशांत सर। जब तक मैं 2019 सितंबर तक था तब तक मेरे साथ भी ठीक था, और बाद में पता चला है कि उनको डेंगू है, उसके बाद फिर डिप्रेशन हो गया, ये सब बातें बाद में मेरे को पता चला। लेकिन जब आप उनके साथ है तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सुशांत डिप्रेशन में है? नहीं, कभी नहीं। वो कभी मेडिसिन खाने वाला इंसान ही नहीं है, तो मेडिसिन तो उसको छूता भी नहीं था कभी। और रही बीमार की, अभी मैं 4 साल से था तो उसको कुछ बीमारी ऐसे कुछ इश्यू नहीं था, कभी डॉक्टर के पास गए नहीं वो। कि हाँ, इतना है कि वो फिटनेस ट्रेनिंग करता था और डॉक्टर के पास कभी नहीं गया। लेकिन इन दिनों कहा जा रहा है कि वो डिप्रेशन में थे, तो आपका क्या कहना है? डिप्रेशन में था तो जिसने बोला गया उसी से पूछना पड़ेगा कि क्यों, वजह क्या थी डिप्रेशन में जाने की। कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती की शादी होने वाली थी सुशांत सिंह की। शादी, ये गलत बात है, गलत है, अफवाह है, कोई इसमें कोई ठोस सबूत नहीं, कोई सच्चाई नहीं है इसमें। 2019 में भी सुशांत के साथ थे सितंबर तक, तो उसके बाद क्या शादी का प्लान हुआ, या आप जब थे तब उस वक्त क्या इन दोनों का रिलेशन इस तरह था कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह सकते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कह सकते हैं उसमें।
और शादी की बात तो तब तक मैं जब तक था तब तक तो कोई ऐसा निकला नहीं था। आप 4 साल रहे और जब आप थे तब रिया का भी आना हुआ था, तो कुछ चेंजेस, कुछ ऐसे परिवर्तन आपने खुद ने नोटिस किए? चेंजेस मेरे को यहाँ से लग रहा है, जब मैं अक्टूबर में घर से जब आया था नेपाल से, तब मुझे ऐसा मेरे को निकाला गया बोला, तो उसके बाद मेरे को फील आने लग गई थी कि पक्का ये पुराने स्टाफ हटाना चाहती है, और धीरे धीरे फिर ऑलमोस्ट पुराने स्टाफ हट ही गया था। आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत की जिंदगी पे रिया का इतना हक हो गया था कि वो डिसीजन लेती थी कि कौन काम करेगा साथ में या कौन लोग उनके आसपास रहेंगे? ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे अभी ऐसे ही लग रहा है कि जब मेरे को निकाला गया था मेरा कोई वजह कोई इशू नहीं था कुछ, मैं 4 साल से उसको सर को मैं जानता हूँ, तो एकदम से छः महीने में ऐसा रिएक्ट आ गया कि मेरे को निकालना पड़ा, तो कोई तो वजह थी कि जो मेरे से नहीं हो रहा था या उनसे नहीं हो रही थी, तो मैं जानने के लिए 2-3 बार गया था लेकिन मेरे को मिलने नहीं दिया गया था। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।